कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोरखपुर के रहने वाले एक युवक ने युवती को अपना नाम सोनू शुक्ला बताकर पहले प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसे नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाया। युवती ने इस युवक से पीछा छुड़ाना चाहा तो उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवती की शादी तय हो गई तो इमरान हाशमी नाम बताकर इस युवक ने युवती के होने वाले पति को अश्लील वीडियो भेज दिया। युवती की शादी टूट गई। अब युवती पर मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने का वो दबाव डाल रहा है, जबकि युवक पहले से शादीशुदा है। युवती हाथाकोट वाली क्षेत्र की रहने वाली है, जागरण में गाती है, जबकि युवक उसी जागरण में रहने वाला ऑर्गन बजा रहा है। अपना नाम सोनू बताकर उसने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब मैं इतना बात सुनी तो उससे जब मैं पीछा छुड़ाना चाही हूं, जब हमको पता चला कि मेरे मोबाइल का सारा रिकॉर्ड उसके पास है, तो मैं अपने घर आई, अपना सिम तोड़ दी, अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दी, तो वो मेरे दीदी के मोबाइल पे कॉल करके मुझे परेशान करने लगा कि तू मेरे घर आओ, हमसे संबंध बनाओ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है तब तक तू मेरे साथ रहोगी, और नहीं तो तुम धर्म परिवर्तन करो, मेरे साथ शादी करके रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। शुक्ला बोल के ले गया, उसके बाद 2 महीने 4 महीने हमको कुछ पता नहीं, लेकिन उसको साथ क्या किया, फ़ोटो लिया, हैंडसम सब कुछ कर दिया है, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ब्याह लगा हुआ था, ब्याह कट भी गया, तो हमारे SP साहब के पास अब इसका नया हमको मिलना चाहिए। लड़की का कहना ये है कि उस युवक के द्वारा उसको जहरी नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई तथा उसको फोटो एवं वीडियो बना लिया गया। उक्त फोटो एवं वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा और कई बार उसे शारीरिक संबंध बनाया गया। बाद में उक्त युवती को जानकारी हुई कि वो लड़का दूसरे संप्रदाय का है। उक्त युवक के द्वारा लड़की से मारपीट भी की गई और फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। उक्त घटना के संबंध में लड़की के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थानाहाटा पे संबंधित धाराओं में उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।